तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का एक ही कमेंट आ रहा है, भाई प्लस नहीं हो रहा है, उल्टा माइनस लग रहा है। तो देखो, मैं हमेशा बोला हूँ कि देखो, किल से ज़्यादा सर्वाइव पे फोकस करो। उस टॉपिक पे आज वीडियो होने वाला है, और कैसे सर्वाइव करना है एस पे, एस मास्टर पे हो, एस डोमिनेटर पे हो, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो, मैं इवेंट पे उतर रहा था, रियाज से मेरे साथ भी उतरता है एक शूट वाला बंदा, जो कावा वाला एक शूट होता है, पता नहीं क्या नाम है, भूल गया, ब्लड रेवन करके कुछ नाम है। तब देखो इस भाई को कैसे किल करता हूँ, बस देखो आप लोग। तो भाई साहब, इस भाई ने भाई को ना, जो एक शूट वाला भाई था ना, इसको किल करके तो मज़ा ही आ गया था। भाई को शायद गन नहीं मिला था, जिसकी वजह से भाई यहाँ पे लूट के लिए भटक रहा था, और मैं इस भाई को पहले ही, मतलब मेरे को गन मिल गया था, तो इसको मैं इजी किल कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इवेंट में मैं सर्वाइव ही कर रहा था, 3 किल आराम से हो गया, और तभी मेरे को साउंड आता है सामने साइड से, और यहाँ पर देखो फिलहाल तो इस वाले भाई का क्या सीन था, मेरे को सच में कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि भाई सामने साइड देख रहा था, मैं इस साइड था, पता नहीं शायद नेड किया, तो उसकी वजह से साउंड थोड़ा सा हो जाता है, मतलब सुनाई नहीं देता, ऐसा सीन था, या भाई के पास हेडफोन नहीं था, कुछ भी हो सकता है। तो कोई नहीं भाई, आराम से मेरे को किल मिल गया, और क्या चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर आराम से मैं 4 किल निकाल लेता हूँ, बस एक बॉट का किल था, उसके बाद यहाँ पर मैं एक नहीं शायद 2 बॉट का किल था, जो भी सीन था भाई, किल तो मिल गया। बस किल पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, देखो जब तक रिकॉल है ना, मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, मेरे पास जब तक रिकॉल रहता है मैं किल निकालने की ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हर एक मैच में अच्छा खासा किल मिलता है। और मैं यहाँ पे जोन में ही सर्वाइव कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलो में, तो तभी यहाँ पे बग्गी वाला एक बंदा आ जाता है, जिस भाई को तो ईजी आराम से किल कर देते। और यही चीज़ है, देखो सोलो में खेल रहे हो प्लस निकालने के लिए, रश खेल रहे हो तो अलग बात है, हमेशा मैं बोला हूँ जब तक रिकॉल है तब तक किल लो, उसके बाद ना बिल्कुल, अब बिल्कुल ये कर सकते हो कि जो जोन के बाहर जाके सर्वाइव करो। मान लो कि आपका रिकॉल वेस्ट हो गया, उस वक्त क्या करना है, अब रिकॉल हो जाओ एक ऐसी जगह उधर जहाँ से गाड़ी मिल जाए, या जोन के बाहर रोड साइड से जाओ, उधर से गाड़ी मिल जाता है, जो मैं यूज़ करता हूँ। पर उससे पहले यहाँ पे सीन देखो कि मैं गाड़ी लेके आता हूँ थोड़ा सा और सर्वाइव करने के लिए, और तभी मेरे को हल्का सा फुटप्रिंट आता है, भाई कोई बंदा तो यहाँ पे आसपास है। और भाई जिस हिसाब से फुटप्रिंट आया था ना, बंदे का लोकेशन मेरे को नहीं पता था, मतलब पता चला है पर फुटप्रिंट आया था, मैं सोचता हूँ कि बंदा शायद ऊपर हो सकता है, मतलब मेरे को इतना कुछ खास आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैं ऊपर भी चेक करने की ट्राई करता हूँ, शायद बंदा ऊपर हो सकता है, मैं यही सोच के देख रहा था। पर बंदा भाई खतरनाक लैम कैम लगा के बैठा था, ना ही फुटप्रिंट आ रहा था, ना ही बंदा स्पॉट भी हो रहा था, और मेरे को यहाँ पे डर था कि भाई मेरा रिकॉल भी यहाँ पे ख़त्म है, और रिकॉल जब तक रहता ना तब तक तो फाइट ले सकते, पर रिकॉल ख़त्म होने के बाद फाइट लेना बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं लेता ही नहीं हूँ, जब तक मेरे को टॉप 20 या टॉप 15 हो जाए, या टॉप 10 जब तक ना हो ना तब तक मैं फाइट नहीं लेता, इसी रहता है मेरा। तो मैं सोचता हूँ भाई थोड़ा सा फ्लैंक करके देखते, बंदा स्पॉट होगा तो करेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पर सीधा भाग जाऊँगा, यही सोच के मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ भाई, थोड़ा सा वेट करता हूँ, अपना हीलिंग वगैरह कंप्लीट करता हूँ, कि भाई बंदा थोड़ा फुटप्रिंट दे दे तो मेरे को भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बंदा कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना वो पता चल जाएगा। पर बंदा भी एकदम कैम लगा के बैठा था, कोई फुटप्रिंट भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा हीलिंग वगैरह अपना फुल करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सीधा थोड़ा सा आगे चलते, देखते बंदा थोड़ा सा स्पॉट होगा तो करेंगे, नहीं तो मैं भी सोचा था भाई मेरे को फाइट अभी नहीं लेना, तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे आता हूँ, और यहाँ पे सीन देखो, और यहाँ पे तो बंदा खतरनाक वाला कैम लगा के एकदम कोने में बैठ गया था। अच्छी बात की मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन देके आया था, नहीं तो मैं खुद यहाँ पे बंदे से शायद फिनिश वगैरह हो सकता था, पर कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना भाई, उधर से मैं जोन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था, तो मेरे को निकलना था जोन के अंदर। और जो चीज़ मैं बात कर रहा था, देखो सोलो में क्या है ना भाई, जब किल से ज़्यादा सर्वाइव पे फोकस करो। मान लो कि रिकॉल जब तक है आपके पास, 2-3 किल निकाल लिया तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कोशिश करना है भाई एंड तक टिके रहना है, भले ही 1-2 किल मिले या ना मिले, एंड तक टिके रहो। उसके बाद क्या है भाई, एंड जोन में जाके ना, जब 15 #15 या #10 जो हो जाए, उसके बाद आप जाके थोड़ा सा फाइट ले सकते हो, जिससे आपको भी अच्छा खासा किल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पोजीशन निकाल के फिर फाइट लोगे ना तो आराम से आपको भी किल मिलेगा, और प्लस तो एकदम भर भर के मिलेगा, और माइनस लगने का जो डर है ना भाई बिल्कुल नहीं होगा।
और उसके बाद भी भाई बाई चांस कुछ माइनस लग जाए ना तो भाई तुरंत मत खेलो गेम। मैं तो यही बोलता हूँ भाई, माइनस लग जाए आधा घंटा रेस्ट ले लो या थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 10-15 मिनट गेम ऑफ करके थोड़ा बाहर घूम के आओ। ये चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, आप भी करो, मैं बोलता हूँ भाई, डेफिनेटली बोल रहा हूँ। मैं खुद एक लो एंड डिवाइस पे खेल के ना कर रहा हूँ तो आपको भी हो जाएगा, आपका भी कॉन्कर होगा। बस यही स्ट्रेटजी यूज़ करके देखो एक बार। मैं खुद भाई मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ इस गेम प्ले में, तो ये वाला एक बार यूज़ करके देखो ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो फिलहाल अभी बात करेंगे गेम प्ले के बारे में, क्योंकि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक दे दिया है। अब देखो सीन, देखो मैं यहाँ पे इवेंट से भी 6 किल निकाल के आ गया था, एक भी फाइट नहीं लिया। बस यहाँ पे मैं कोई पोजीशन निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, जब जोन नेक्स्ट जोन बन रहा है ना तब जोन के बाहर मतलब जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ, फिर से एक जगह होल्ड करता हूँ। और ये दिक्कत हो जाता है कि एंड जोन में सर्वाइव नहीं हो पाता, और इसलिए क्या है ना भाई, मैं बोला कि जो है ना जोन के जो एज होता है ना, वो भाई गाड़ी घुमाओ एंड जोन में और कोई भी पत्थर या पेड़ मिल जाए तो वहाँ पे एकदम गंदा वाला कैम लगा के बैठ जाओ या होल्ड कर सकते हो, जो भी बोलो इसको। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा पोजीशन मिल गया था, यहाँ पे एक मेरे को क्या बोलते इसको पत्थर भी मिल गया था, तो गाड़ी साइड में लगाता हूँ एकदम आराम से होल्ड कर लेता हूँ। और मैं थोड़ी देर होल्ड करते मेरे पास याद आता है मेरे पास ये फ्लेयर गन है, तो मैं यहाँ पे चला देता हूँ। मेरे को पता था आने नहीं वाला, फिर भी मैं एकदम मन की तसल्ली के लिए चला देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते, यहाँ पे मतलब आसपास से काफ़ी ज़्यादा भाई गाड़ी गुजरने वाला है। बस देखो यहाँ पे सीन, यहाँ पे एकदम गलत सीन हो गया था, मैं बिल्कुल फंस गया था। मैं थोड़ा सा देखने आता हूँ आगे की साइड की भाई बंदा फाइट ले रहा था, तो यही देखने के आता हूँ मतलब थोड़ा बहुत किल मिल जाए, यही मतलब आता हूँ इसलिए। पर यहाँ पे साइड से मेरे को एक बंदा अच्छा खासा डैमेज देता है। मैं कवर में आ गया था पर जोन के बाहर था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं था। अब मेरे को फंस गया था, मैं सोचा कि भाई जोन किधर बनेगा कुछ पता नहीं। मैं बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ पर बंदा स्पॉट नहीं होता। मैं सोचता हूँ इधर ही थोड़ी देर होल्ड करते, मैं हमेशा बोलो भाई पोजीशन मिल जाए तो होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड पे बंदा है जिसको मतलब मेरे लोकेशन में मतलब मैं जो जानता हूँ भाई इधर बंदे हैं, दो बंदे हो सकते, फाइट वगैरह आ रहा था फायर वगैरह, पर उन लोगों को नहीं पता मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और जब जोन शुरू होता है ना, सामने वाला जो बंदा है ना वो गाड़ी लेके जोन के अंदर एंट्री लेता है। और यहाँ पे सीन देखो, अभी यहाँ पे इजी चिकन डिनर भाई, मैं 6 किल निकाला था, एंड में जाके 2 किल निकाला हो, यही चीज़ है भाई। एंड में आपको किल ना मिलना था भाई, सर्वाइव करो, चिकन की तरफ फोकस करो। और एक चीज़ देखो, वीडियो को जो मैं बोलता हूँ ना भाई, देखना तो पूरा है ही है और ऊपर से समझना भी है, मैं कहाँ जाके होल्ड करो, कैसे पुश करो, कब जाके फाइट ले रहा हूँ, ये सब चीज़ थोड़ा सा देखोगे ना थोड़ा समझ में आएगा। और मतलब जो है ना आपके गेम प्ले में, आप जब खेलोगे ना उसके गेम प्ले में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो देख सकते हैं 27 का प्लस मिला, काफ़ी ज़्यादा है इस डोमिनेटर पे। अभी के टाइम पे इतना प्लस मिल रहा है उसके हिसाब से मैं बोलूँ ना, 20 के ऊपर प्लस मिल रहा है तो भाई अच्छी बात है इस मास्टर या इस डोमिनेटर पे। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आप खेलो आराम से। कोई भी दिक्कत आता है ना तो कमेंट सेक्शन है एकदम ओपन, आप बेझिझक कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। इसीलिए आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है ना वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।